ड्रग्स एक ऐसा अपराध है जिससे दुनिया का कोई देश आज अछूता नहीं है। ड्रग्स की लत इंसान को बर्बादी की तरफ धकेल देती है और इसकी तस्करी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। भारत लंबे समय से ड्रग्स के अवैध कारोबार से जूझ रहा है, लेकिन 80 के दशक में हालात नियंत्रण से बाहर जाने लगे और इसका कारण था देश की भौगोलिक स्थिति। ड्रग्स की सप्लाई बढ़ने के साथ कई अन्य चुनौतियां सामने आने लगी। और इनसे निपटने के लिए भारत सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 लागू किया। ड्रग कानून को लागू करने में कई एजेंसियां कार्यरत हैं। सभी एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया। तब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर भारत की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते किए हैं, जिससे मादक पदार्थों की मांग और इसकी तस्करी को रोका जा सके। भारत सरकार और राज्य सरकारें ड्रग्स के व्यापार, खासकर सीमा पार से जो अवैध व्यापार चल रहा है, उसे रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार की ड्रग विरोधी नीति के लिए प्रतिबद्ध है और ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन के मिशन को हासिल करने में दिन रात जुटा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सभी मोर्चों पर रणनीतिक तरीके से काम कर रहा है। जहां एक ओर आपूर्ति और मांग में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं ड्रग से हुए नुकसान को कम करने की दिशा में भी काम किया जाता है। वर्तमान में एनसीबी गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसके कार्यालय देश भर में फैले हैं। एनसीबी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों, अर्ध सैन्य बलों और अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मेरा मानना है कि नशे की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको सभी के समन्वय से ही रोका व समाप्त किया जा सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने लड़ाई को समन्वयित और संस्थागत बनाया है। इसके लिए गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वाधान में नार्को समन्वय तंत्र की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य सभी एजेंसियों के बीच में समन्वय एवं तालमेल स्थापित करना है, जिससे ड्रग की तस्करी पर अंकुश लगाने में हमें पूर्ण रूप से कामयाबी मिल सकती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में तीसरी शीर्ष स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक में विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी मीटिंग का तीसरा सत्र दिसंबर 2021 में हुआ। इस दौरान भारत की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स पॉलिसी को आगे लेते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक निर्णय है एनकॉर्ड पोर्टल का स्थापना करना, जो कि स्टेट्स को मदद करेगा। दूसरा निर्णय है कि जो चार टायर मैकेनिज्म है एनकॉर्ड का, उसको रेगुलरली करना और हर स्टेट को उसमें इन्वॉल्व करना, और ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हर स्टेट में स्थापित करना। तीसरा निर्णय है एक नारकोटिक्स कनाइन पूल, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा एसेट बन सकता है, स्थापित करना, जो स्टेट्स को और सेंट्रल एजेंसीज को भी मदद कर सके। चौथा निर्णय है एक नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन की स्थापना करना, जिसे मानस की संज्ञा दी गई। मुझे लगता है ये सभी डिसीशंस
बहुत कारगर और गेम चेंजिंग साबित हो सकती हैं। एनसीबी के लिए ड्रग्स के विरुद्ध लड़ाई पिछले कुछ सालों में और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। दरअसल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अब डार्कनेट और आधुनिक तकनीकों का उपयोग होने लगा है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार लॉकडाउन ने इंटरनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को तेज कर दिया है और ये अनुमान है कि डार्क वेब ड्रग बाजार अब सालाना $315 मिलियन का है। ड्यूरिंग द पैंडेमिक अ लॉट ऑफ ट्रैफिक शिफ्टेड टू द कुरियर एजेंसीज। ऑर्डर वुड गो थ्रू डार्कनेट, पेमेंट थ्रू वुड हैपन थ्रू क्रिप्टोकरेंसी। वी वर फ्रीजिंग बिटकॉइंस एंड एटसेट्रा इन सम केसेस आल्सो। एनसीबी आपराधिक गतिविधियों में आ रहे इन बदलावों का अनुमान लगाने में कामयाब रहा है और एजेंसी अब टेक्नोलॉजी, उपग्रह इमेजरी और साइबर फोरेंसिक्स के माध्यम से इन नवीनतम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। किस तरीके के ड्रग्स, किस कंट्रीज से उन ड्रग्स का यहाँ पर स्मगलिंग हो रहा है, कौन से रूट्स को स्मगलर्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से मेजर सिंडिकेट्स हैं, कौन से मेजर नेटवर्क हैं जो कि इंटरनेशनली एंड नेशनली ऑपरेट कर रहे हैं, इस सभी तरीके का डेटा जो है हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर रेगुलर स्टडी करके रिसर्च करते हैं। मादक पदार्थों का व्यापार लगभग $400 अरब का कारोबार है। ड्रग्स की तस्करी से आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी और काले धन को भी बढ़ावा मिलता है। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग न केवल समाज को खोखला बनाता है बल्कि नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मुझे विश्वास है कि एनसीबी और सभी हितधारकों को कोई सामूहिक प्रयास से अपेक्षित सफलता हासिल होगी। एनसीबी इन अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट्स को नष्ट करने के लिए पूर्ण समर्पण से काम कर रहा है। इन द रीसेंट ईयर्स एंड मंथ्स एंड वीक्स द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज हैड मेजर सीजर्स बिकॉज ऑफ हाइटेंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनसीबी, स्टेट पुलिस एंड एजेंसीज, नेशनल एजेंसीज लाइक the NIA, Coast Guard and the Navy, as well as the intelligence agencies at the national level. And finally, as a result of coordination between NCB and the international drug law enforcement agencies of other countries, we have had major seizures across the board on international waters, national waters, on seaports, on land borders, as well as in the aerial route through the airlines. This points to a good development and points to a more effective coordination in the future. Kuch information deni hai aapko. NCB apne mukhbiron ke vishal network ke madhyam se khufiya jankari jutata hai aur anya drug kanoon pravartan agencies ke sath milkar raid karta hai. Recognizing drug trafficking as a national security issue, NCB is in coordination with other sister agencies, both national and international, is conducting operations all over the country. NCB on its own is also carrying out various such operations inside the country. भारत में 2018 से 2021 के बीच 1,881 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। 2011 से 2014 के बीच जब्त की गई ड्रग्स के मुकाबले ये 3 गुना अधिक है। 2018 से 2021 के बीच करीब 35 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। We are facing this great challenge, which is being aided by newer technology like VIP communication, fake SIMs, social media networks, and latest threat is coming from drones. We are joining hands with our sister agencies. आपूर्तियों में कमी लाने के साथ साथ एनसीबी ड्रग्स की मांग में कमी लाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है। लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए साल भर नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। एनसीबी के एक ऑनलाइन ई संकल्प अभियान जीवन को हाँ कहें, ड्रग्स को ना शुरू किया है। ये संकल्प देश भर में लाखों लोगों ने लिया है। Narcotics Control Bureau endeavors for a drug-free society through coordination and cooperation with all stakeholders and creating synergy amongst them. NCB also plays an important role in the field of drug demand reduction by sensitizing people about the dangers of drug abuse
थ्रू कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स। एनसीबी नशा मुक्ति केंद्रों के सहयोग से पीड़ितों के पुनर्वास का काम भी करता है। जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के माध्यम से एनसीबी विदेशों में ड्रग्स मामलों में फंसे निर्दोष भारतीयों को घर लाने में भी सफल हुआ है। इसके अतिरिक्त भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जिम्मे कई महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं। एनसीबी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ वेरियस ड्रग लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ऑफ वेरियस एजेंसीज एंड स्टेट्स। इन एसोसिएशन विद BPR&D, एनसीबी हैज डेवलप्ड 5 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स which are meant for various rank officers like SPs, DSPs and intelligence officers. In addition to that, public prosecutors, education department officials and civil societies are also being trained in drug law enforcement provisions and awareness activities. Aaj jab desh azadi ka amrit mahotsav mana raha hai, narcotics control drugs mukt bharat ka sankalp saakar karne ke liye जी जान से जुटा है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए से नो टू ड्रग्स।